कांग्रेस दफ्तर में ढोल बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। ये जश्न कांग्रेस में एक नए युग की शुरुआत का है। 24 साल बाद पार्टी गांधी मुक्त हो गई और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। जैसे आपने मुझ पर भरोसा जताया है और गरीब परिवार में जन्मे एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। कर्नाटक से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की कमान तो मिल गई, लेकिन सामने कई चुनौतियां हैं। पार्टी में गुटबाजी जोरों पर है, सामने गुजरात और हिमाचल में चुनाव है और 2024 दस्तक देने वाला है। देश एक तानाशाही की सनक की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। हमें इकट्ठे होकर इन विनाशकारी ताकतों को हराना है। पार्टी के सभी दोस्तों को संसद से सड़क तक लड़ना होगा। गांधी परिवार ने पार्टी की जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है, तो अब नए अध्यक्ष की सबसे बड़ी चुनौती गांधी परिवार की भूमिका तय करने की भी होगी। Is the supreme authority in the Congress party, and every Congress member reports to that person. मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को 6,800 से ज्यादा वोटों से मात दी, लेकिन ये भी दिलचस्प है कि 1,000 से ज्यादा वोट शशि थरूर बटोर ले गए। कांग्रेस इसे भी लोकतंत्र बता रही है। गौरव साहब, शशि थरूर बड़े वोट बटोर ले गए। देखिए, यही प्रमाण करता है कि हर कांग्रेस कार्यकर्ता अपने स्वतंत्र मन से उन्होंने वोट दिया है। वैसे कांग्रेस में चुनाव के नतीजों से पहले शशि थरूर के खेमे ने अनियमितताओं के आरोप भी लगाए। सलमान सोज ने मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी लिखकर यूपी में गंभीर गड़बड़ियों का आरोप लगाया और यूपी के सभी वोटों को अवैध बताने की मांग की। चिट्ठियां तो लिखी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चिट्ठियां लिखी है और वो इसलिए लिखी है ताकि इलेक्शन प्रोसेस इम्प्रूव हो, तो वो तो सारा डॉक्यूमेंटेड है। मैं उसको कंप्लेंट कहूँ, लेकिन हमने अपने जो दिल में था वो हमने बता दिया उनको। देर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, वो हमने पार्टी के जो चीफ इलेक्शन अथॉरिटी उनको बताया है और आगे भी हम उस इम्प्रूवमेंट के लिए लड़ेंगे। ऐसे तो इंटरनल सवाल है, लेकिन मैं उनको पॉइंट बाय पॉइंट जो हमको रिपोर्ट दिया है अपने उसने पीआरओ ने, पीआरओ और हमारे सेक्रेटरी ने पॉइंट बाय पॉइंट रिपोर्ट दिया है, वो हम उनको उनका जवाब लिखेंगे। नतीजों के ऐलान के बाद सोनिया गांधी नए अध्यक्ष से मिलने पहुंची। आज सोनिया गांधी जी आई थी मैडम, अभी कितनी खुश थी वो, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे इसी दिन का इंतजार था नए अध्यक्ष कब बने, तो आप सोच सकती हो कि हम सब बहुत खुश थे। मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के सबसे करीबी माने जाते हैं, तो क्या बीजेपी का वो आरोप सही साबित होगा कि पार्टी रिमोट कंट्रोल से चलेगी? एक रबर स्टैंप ही ढूंढा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढा उन्होंने। और आप जानते हैं उनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या है, इंटरनल जो उनकी इलेक्शन भी हुआ है वो पूरा का पूरा ढकोसला है, पूरा फ्रॉड है, पूरा ड्रामा है। क्योंकि उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने खास बोला है कि इसके अंदर घोटाला हुआ है। तो क्या करते हम भाजपा से उठा के लाते, क्या कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा ना कि किसी दूसरी पार्टी का उम्मीदवार होगा? ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। वहाँ जो दो व्यक्ति पूरी भाजपा चला रहे हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप भी अपनी पार्टी में लोकतंत्र लाए। आजादी के बाद ये पांचवा मौका है जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए, लेकिन इस चुनाव को पार्टी ने विरोधियों पर वार का बड़ा हथियार बनाया है। लोकतंत्र की दुहाई देकर कांग्रेस बार बार ये पूछती है कि और किसी पार्टी में होते हैं ऐसे चुनाव? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।